हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने कॉटन के कपड़ों के कलर को पक्का कैसे करें। तो जो भी चीज़ आज मैं आपको दिखाऊंगी एकदम रियल में दिखाऊंगी। तो ये मेरा न्यू सलवार सूट है, सॉरी सलवार सूट का कपड़ा है। तो ये 100% कॉटन का है। तो इसमें ये कुर्ता है और सलवार है इसमें और दुपट्टा है। तो ये कुर्ते का कपड़ा है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये 100% कॉटन का है या नहीं। तो देख सकते हो आप, ये 100% एकदम कॉटन का कपड़ा है। तो जो भी चीज़ दिखाऊंगी आपको रियल में दिखाऊंगी। तो मुझे इसी के कलर को पक्का करना है। तो ये इसका दुपट्टा है, आप देख सकते हो, और ये सलवार है। तो चलो देखते हैं कि इनके कलर को पक्का करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए मैंने ये फिटकरी ली है, आप देख सकते हो, ये फिटकरी है और ये साबुत नमक है, मोटा नमक है ये। चाहे तो आप पिसा हुआ नमक भी ले सकते हो, पर ये मैंने मोटा नमक लिया है। इसका रिजल्ट अच्छा आता है जब हम कलर को पक्का करते हैं कपड़ों का। तो इस तरह से मैं नमक को इस तरह से कूट लूँगी, इस तरह से। इस तरह से ये मैंने पाउडर सा बना लिया है। अब इसी तरह से हम फिटकरी को पीस लेंगे, इस तरह से इसको कूट लेंगे अच्छे से। और जो नींबू है इसका यूज करेंगे हम बाद में, जब कपड़ों के कलर को हम पक्का कर लेंगे और कपड़ों को धुल लेंगे, उसके बाद नींबू का यूज करेंगे। वो भी बताऊँ किस तरह से यूज करना है। तो ये हमारा मिश्रण तैयार हो गया है। अब इस तरह से आधा बाल्टी पानी लेना है और इस तरह से पहले हम नमक को डाल लेंगे इसमें और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे पानी में। फिर फिटकरी डाल देंगे, तरह से अच्छे से दोनों चीज़ों को इसमें मिक्स कर लेंगे पानी में। अब इसमें हम अपने कपड़े डुबोएंगे, जो ये हमारे कॉटन के कपड़े हैं। अच्छे से खोल करके पानी में डुबोना है इनको, और जितना कलर निकलना हो वो इस पानी में निकल जाएगा। बाद में आप देखोगे, हम जितनी बार भी धुलेंगे कपड़े को तो कलर नहीं निकलेगा, जो भी हल्का फुल्का कलर है वो इस पानी में निकल जाएगा और साथ में हमारा कलर भी पक्का हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, देखिए ये हल्का हल्का थोड़ा सा कलर निकल आया है, ज़्यादा नहीं निकलेगा, बस हल्का फुल्का ही निकलेगा। अब मेरे पास ये एक और सलवार सूट का कपड़ा है, इसको भी मैं इस पानी में डुबो दूंगी। कॉटन के कपड़े से ड्रेस बनाने से पहले हमें कॉटन के कपड़े को 1 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखना चाहिए, क्योंकि कॉटन सिकुड़ता है। इसलिए हमें कॉटन के कपड़ों को धुलने के बाद ड्रेस बनानी चाहिए, इससे हमारे कई फायदे हैं। फिर अच्छे से इस तरह से कपड़ों को भिगोना है और अच्छे से इस तरह से कपड़ों को करना है, ऐसे देखिए मिलाना है। तो आप देख सकते हो एकदम कलर नहीं निकला। इस तरह से हमें इसको 1 घंटे तक भिगोकर रखना है। फिर हम 1 घंटे के बाद देखेंगे कि कितना कलर हमारा निकला है। तो 1 घंटा हो चुका है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आप देख सकते हो ज़्यादा कलर नहीं निकला कपड़ों का, हल्का फुल्का निकला है। अब इन सभी कपड़ों को हम अच्छे से इजी में वॉश कर लेंगे। इस तरह से मैंने टब में थोड़ा सा इजी डाला है और ये पानी डाला है, इसी से हम सारे कपड़ों को धो लेंगे। अच्छे से निचोड़ेंगे इस पानी में, निचोड़ करके इन सबको हम धुल लेंगे। तो देख सकते हो आप, हल्का फुल्का कलर ही निकला है। इस तरह से हमारे कपड़ों का कलर एकदम फिक्स हो गया है। तो आप देखिए, मैं जितनी बार भी धुलूंगी एकदम साफ पानी ही निकलेगा, ये देखिए। अब मैं इनको साफ पानी में धुल लूँगी। तो ये देखिए, अब मैं
इनको साफ पानी में धुल रही हूँ तो देखिए कलर नहीं निकल रहा। अब थोड़ा जब हम नमक और फिटकरी का यूज करते हैं तो कपड़े में थोड़ा टाइटपन आ जाता है सूखने के बाद, तो उसका भी उपाय बताऊंगी मैं कि क्या करना है। पहले हम कपड़े को इस तरह से धुल लेंगे। अब इस तरह से पानी डालेंगे और देखिए कपड़ों को मैं दोबारा फिर धुल लूँगी तो आप देख सकते हो एकदम कलर फिक्स हो गया है, एकदम कलर नहीं निकल रहा। अब नींबू का यूज करेंगे, जैसे कपड़े हमारे सॉफ्ट हो जाएं धुलने के बाद, उनमें कड़कपन ना आए नमक और फिटकरी की वजह से। तो इस तरह से ये मैंने आधा टप पानी लिया है, इसमें मैं ये दोनों नींबू को निचोड़ लूँगी। अगर फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अब इस तरह से हम इस पानी में अपने सभी कपड़ों को भिगोकर रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो फिर 10 मिनट के बाद कपड़ों को निचोड़ करके उनको सुखा लेंगे और सुखाने के बाद प्रेस कर लेंगे, तब इस कपड़े से हम अपनी ड्रेस बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे कपड़ों का कलर एकदम पक्का हो गया है, बार बार धुलने के बाद भी कलर नहीं निकला। तो इस तरह से आप अपने कॉटन के कपड़ों के कलर को पक्का कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स नमस्ते बाय।